भले ही सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका हो और बिजली की डिमांड बढ़ गई हो, बावजूद इसके धर्मशाला में कई लोग और सरकारी गैर सरकारी संस्थान हैं जो बिजली विभाग का बिल ही पे करने का नाम नहीं ले रहे हैं। बिजली विभाग के आंकड़ों पर अगर गौर किया जाए तो मौजूदा वक्त में खुद सरकारी महकमे ही सबसे ज्यादा डिफॉल्टर हैं, जो कि बिजली विभाग का बिल पे करने में आनाकानी कर रहे हैं। अकेले धर्मशाला में ही ऐसे कई सरकारी कार्यालय हैं जिनके ऊपर बिजली महकमे की लाखों रुपए की देनदारी है। बावजूद इसके बार बार आगाह करने के बावजूद भी उनके कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। विभाग के अधिकारी विकास ठाकुर की माने तो सरकारी कार्यालय ही सबसे ज्यादा बिजली के बिल अटकाने में माहिर है, यानी मौजूदा वक्त में सरकारी कार्यालयों पर 80 लाख रुपए की देनदारी है, मगर बार बार नोटिस सर्व करने के बावजूद भी अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। वहीं ऐसा नहीं है कि सरकारी महकमों का ही ये हाल है, बल्कि कई गैर सरकारी संस्थान भी ऐसे हैं जिनके ऊपर बिजली विभाग का आधे करोड़ से ज्यादा का कर्ज चढ़ा हुआ है, मगर बिजली विभाग को उस कर्ज को वसूलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। विकास ठाकुर की माने तो वो कभी नहीं चाहते कि किसी से भी जोर जबरदस्ती करके बिजली बिल वसूले जाएं, और वो भी ऐसे वक्त पर जब बिजली की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। बावजूद इसके डिफॉल्टर्स इस बात की और जब गौर नहीं करता तो उन्हें न चाहते हुए भी ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए उनकी ओर से हाल ही में करीब 1200 बिजली कनेक्शन को टेम्परेरी बेस पर डिस्कनेक्ट कर दिया गया है। अब अगर उनको दोबारा बिजली चाहिए होगी तो वो दोबारा बिजली बिल के कनेक्शन के लिए अप्लाई करेंगे और बिल भरेंगे, तभी जाकर उन्हें बिजली कनेक्शन मिल पाएंगे। विकास ठाकुर ने बताया कि इस वक्त धर्मशाला में ही डोमेस्टिक और कमर्शियल प्रॉपर्टी के 60 से 65 लाख के बिल पेंडिंग है, जिन्हें बार बार नोटिस सर्व कर दिए गए हैं, और ऐसे में अगर उन्होंने जल्द बिजली बिल पे नहीं किया तो उन्हें न चाहते हुए भी उनके कनेक्शन काटने पड़ेंगे, जिसके लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। हालांकि विकास ठाकुर ने ये भी बताया कि विभाग बार बार लोगों को न्यूज चैनलों और समाचार पत्रों के जरिए आगाह करता है कि अब वो अपना बिजली बिल ऑनलाइन कई माध्यमों से भी पे कर सकते हैं। बावजूद इसके भी डिफॉल्टर्स का रेट बढ़ता ही जा रहा है, जो कि कभी कभार चिंता का सबब भी बन जाता है। इस टाइम पे हमारे पास राउंड अबाउट, हम पहले भी देखिए, विभाग ने पहले लोगों के साथ जो कोविड महामारी आई तो हमने 30/6/2020 तक किसी के भी हमने TDSO इम्प्लीमेंट नहीं किए, किसी भी पेमेंट्स का हमने किसी को भी फोर्स नहीं किया कि पेमेंट्स जमा करवाएं। हमने होटल्स को भी उनके डिमांड चार्जेस वेव ऑफ किए थे 30/9/20 तक की कंजप्शन तक के भी, पर ऐसा है विभाग भी अब जैसे जैसे हम लोगों को समय रहते अवगत भी करवा रहे हैं, उनको नोटिसेस भी दिए जा रहे हैं। रेंडमली आज की डेट में हमारे पास 4000 के आसपास कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो जिनका बिल दे है पर अभी तक दिया नहीं है उन्होंने, और उसका आंकड़ा जो है हमारा राउंड अबाउट विभाग का आंकड़ा जो है हमारा डोमेस्टिक कमर्शियल का, अगर मैं बात करूं तो डोमेस्टिक कमर्शियल का हमारा 60 लाख के आसपास आउटस्टैंडिंग पेंडिंग है अभी। और हम लोगों से बार बार अपील भी कर रहे हैं कागजों, हमने अखबारों के माध्यम से भी, आप लोगों के माध्यम से भी लोगों से हम काफ़ी अपील कर रहे हैं कि जो भी आपकी बकाया देनदारी है विभाग के लिए, जो भी आपके बिल्स हैं, वो टाइम टू टाइम पेमेंट करें और TDCO को अवॉइड करें। अगर आप टाइम टू टाइम पेमेंट्स करेंगे तो आपकी जो TDCO अवॉइड रहेंगे। हम विभाग को भी इस चीज़ पे मजबूर ना करें कि हम भी आपके जो है घर जाके बिजली काटें, क्योंकि हमें भी पसंद नहीं है, पर एक्चुअली जो बिल्स हैं उनको आप टाइम टू टाइम्स दें। उसके वेरियस माध्यम हमने आपको पहले भी शेयर किए हैं, वो आप ऑनलाइन करें, फ़ोनपे से करें, पेटीएम से यूज़ करें, वो विभाग की वेबसाइट पर जाके पेमेंट करें, पर इन चीज़ों को समय रहते कर दें। मैं वही बता रहा था आपको कि जो डोमेस्टिक और कमर्शियल कैटेगरी हमारी जो है, जो लोगों की बेसिकली जो डोमेस्टिक कैटेगरी और कमर्शियल है, उसका राउंड अबाउट हमारे पास जो है 60 से 65 लाख के बीच का बकाया पेंडिंग है। और जो सरकारी विभाग है, सरकारी विभाग में भी हमारा जो बकाया है आज की डेट में वो 80 लाख के आसपास है, 80 लाख के आसपास है, तो उसका हम कर रहे हैं। नोटिस भी हमने काफ़ी लोगों को जारी किए हैं, और अब तो हम ऐसा कर रहे हैं कि जो आपका जिनको कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने पिछले 4-4 महीने से बिल ही नहीं जमा करवाए, उनको तो हम TDCO कर रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि हम अखबार में काफ़ी बार दे चुके हैं, उनके लिए इश्तिहार भी हमने लगवाए हैं, इवन हमने नोटिसेज भी उनको सर्व किए हैं। पीछे हमने अभी काफ़ी राउंड अबाउट 1200 के आसपास नोटिस हमने सर्व किए थे डोमेस्टिक कैटेगरी, उसमें हमने लोगों को समय रहते सूचित भी किया। फिर हम उनको जिन जिन के, एक तो हम लोगों से गुजारिश ये रहती है हमारी कि जो भी आपके मोबाइल नंबर्स हैं अपने सब डिविजन्स में या हमारी वेबसाइट पर जाके अपने मोबाइल नंबर्स को भी आप रजिस्टर करें, ताकि जो भी आपका बिल है वो बिल आपको अगर डिलीवर नहीं भी हुआ है किसी वजह से, तो वो बिल आपके मोबाइल रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स पे आपको बिल्स की डिलीवरी हो जाती है। तो काइंडली जो भी आपके मोबाइल नंबर्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे जाके या हमारा बिल रीडर आता है उसके पास अपडेट करवाएं,
वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करवा सकते हैं आप खुद भी ऑनलाइन भी, ताकि आपको हर एक चीज़ को सूचित करते रहें। अब वो हम वही मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि जिन लोगों को जिस तरह के इस तरह के कई लोग हैं जिन्होंने बिल्स नहीं जमा कराए हैं, हम उनको काफ़ी बार नोटिसेस दे चुके हैं, अनाउंसमेंट्स कर चुके हैं। अगर नहीं होगा तो जो TDCO का प्रक्रिया है तो उस TDCO टेम्परेरी डिसकनेक्शन ऑर्डर्स उनके इशू कर दिए जाएंगे और उसके बाद उनको जो है रिकनेक्शन फीस जो है हमारी वो फीस जमा करवा के उनको कनेक्शन जोड़े जाएंगे। अभी हमने लोगों के सहयोग से काफ़ी पिछले महीने हमने जो इस तरह के चलाया था, विभाग ने एक अभियान चलाया था हमने, उस अभियान में हमारे पास पिछले महीने जो है अराउंड अबाउट 20-30 लाख की रिकवरी हुई है हमसे। हम आगे भी लोगों से यही अपील करते हैं कि अपने बिल्स को समय रहते बिल्स अपने चुकाएं और जो भी आपकी पेंडेंसी उसको क्लियर करें। अगर कहीं आपको बिल्स के रिगार्डिंग कोई डिस्प्यूट है या इश्यूज हैं तो हमारे सब डिविजन्स हैं, ऑफिसेज हैं, काइंडली उनसे आप संपर्क करें।